जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रह विज्ञान विषय का अगला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर घर की सफाई और सजावट। और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ, मेरे कहने का तात्पर्य है जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आप सभी मेरे छात्रों से निवेदन है कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर आपको इसके पहले का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, दोनों पाठों से रिलेटेड महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने करा दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट से अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाओगे और साथ ही साथ मैंने हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और ग्रह विज्ञान विषय को विधिवत तैयार कराने का बिल्कुल संकल्प लिया है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर बिना आपका अधिक समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सजावट का अर्थ है, और इन प्रश्नों को आपको रटना नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आपको समझना होता है, पढ़ना होता है, पढ़कर समझना होता है, आप ऐसे ही इस तरीके के प्रश्नों को कर लोगे। तो यहां पर पहला प्रश्न है कि सजावट का अर्थ है, विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है पर्दे टांगना, दूसरा विकल्प है चित्रों से घर सजाना, तीसरा विकल्प है घर सुव्यवस्थित रखना, और चौथा विकल्प है यहाँ पर उपर्युक्त सभी। तो सजावट का क्या अर्थ है, उत्तर क्या हो जाएगा, पर्दे टांगना भी सजावट के अंतर्गत आता है, चित्रों से घर सजाना भी सजावट के अंतर्गत आता है, घर सुव्यवस्थित करना यानी घर को सुव्यवस्थित रखना भी सजावट के अंतर्गत आता है, यानी उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यहां पर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और आप लोग प्रश्नों का उत्तर कमेंट भी करते रहिएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रह सज्जा का आवश्यक तत्व है, ग्रह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या है। यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प उपयोगिता, दूसरा है सुंदरता, तीसरा है अभिव्यक्ति और चौथा है इनमें से सभी। तो उत्तर क्या होगा कि ग्रह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या है, उपयोगिता भी है, सुंदरता भी है, अभिव्यक्ति भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उन्हें साफ करना चाहिए, किससे साफ करना चाहिए। विकल्प है पहला राख से, दूसरा सूखे चूने से, तीसरा विकल्प सोडे के घोल से, चौथा विकल्प है बिम से। तो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उन्हें किससे साफ करना चाहिए, बिम से साफ करना चाहिए। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है, यानी जो पीतल का फूलदान होता है उसकी साफ सफाई किसके द्वारा की जाती है। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प चूना, दूसरा विकल्प है यहाँ पर ब्रशो, तीसरा विकल्प है रेत और चौथा विकल्प है साबुन। तो पीतल का जो फूलदान होता है उसकी साफ सफाई किसके द्वारा की जाती है, उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रशो, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे ब्रशो हो जाएगा उत्तर। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फूलों को अधिक समय तक, आप लोग ध्यान देंगे, फूलों को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए, कैसा ताजा रखने के लिए, फूलदान में पानी में क्या डालना चाहिए, यानी फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए। यदि हमें फूलों को अधिक समय तक ताजा रखना है, इसके लिए हमें फूलदान के पानी में और क्या डालना चाहिए, उत्तर क्या होगा, पहला है विकल्प सोडा, दूसरा विकल्प है नमक, तीसरा विकल्प है साबुन और चौथा है तेल। तो फूलदान को यानी फूलों को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए हमें
में फूलदान में पानी में क्या डालना चाहिए, उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा नमक। यदि हम नमक डालते हैं पानी में तो हमारे फूलदान के फूल जो है अधिक समय तक ताजा बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सजावट से पूर्व आवश्यक है। यदि हमें सजावट करना है अर्थात घर को सजाना है तो इसके पहले हमारे लिए क्या आवश्यक है? पहला विकल्प है चित्र एकत्र करना, कि हमें चित्र एकत्र करना चाहिए। दूसरा विकल्प है कालीन खरीदना, हमें कालीन खरीद कर लाना चाहिए। तीसरा है फूलों का चुनाव करना, हमें अच्छे अच्छे फूलों का चुनाव कर लेना चाहिए। या कमरे की सफाई करना। तो यदि हमें सजावट करना है उसके पूर्व यानी पहले क्या आवश्यक है, यानी क्या करना आवश्यक है? क्या हमें चित्र लगा देना चाहिए, यानी चित्रों का कलेक्शन कर लेना फिर उन्हें लगा देना चाहिए? ये तो बिल्कुल नहीं है। कालीन खरीद कर ले आना चाहिए, ये भी नहीं है। फूलों का चुनाव करना चाहिए, अच्छे फूलों को रख लेना चाहिए, ये भी नहीं है। सजावट के पूर्व हमें कमरे की अच्छे से सफाई करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर यही है। अगला प्रश्न है, घर की सफाई करने के बाद कूड़ा करकट को क्या करें? तो आप सभी इन प्रश्नों को क्या रटोगे, ये तो समझने वाले प्रश्न हैं। पहला विकल्प है घर में रखना चाहिए। क्या कूड़ा करकट को घर में रखना चाहिए? ये तो आप जानते ही हो कि ये विकल्प गलत है। सड़क पर फेंक देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है कि कूड़ा करकट आपके घर से जो निकला है उसे सड़क पर फेंक दिया जाए, ये नहीं करना है। कूड़े दान में डालना चाहिए, तो जो कूड़ा दान है उसमें आप डालिए। और नाली में डालना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाली में कूड़ा डालने से नालियां जो हैं वो सफाई से क्या हो जाएंगी, उनकी सफाई जो है बाधित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है वो बंद हो जाएंगी। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि घर की सफाई करने के बाद कूड़ा करकट कूड़े दान में डालना चाहिए। अगला प्रश्न है, सजावट में सबसे अधिक आवश्यक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे चित्रों की, कालीन की, पर्दों की या सफाई की। तो सजावट में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सफाई की आवश्यकता है। यदि हमें सजावट करना है, घर की सजावट करनी है, इसके लिए सफाई करना परम आवश्यक है। बाद में तो चित्र आप लगाइए, कालीन बिछाइए, पर्दे भी लगाइए, लेकिन उसके पहले आपको कमरे की साफ सफाई करना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना, और साथ ही साथ आपको करना क्या है, अपनी नोट्स भी बनाते रहना। जी हाँ, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही वीडियो के कि आप अपनी नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ग्रह विज्ञान विषय के। तो यहां पर अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे, सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा आधुनिक उपकरण है? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प वैक्यूम क्लीनर, दूसरा है ग्रीजर, तीसरा है ओवन और चौथा है इनमें से सभी। तो सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? वैक्यूम क्लीनर यहां पर हो जाएगा सही उत्तर। उत्तर क्या है? वैक्यूम क्लीनर। अगला प्रश्न है, सजावट में सबसे अधिक आवश्यकता है, तो इसको मैंने करा ही दिया है। यहाँ पर उत्तर क्या है? सफाई की आवश्यकता है। इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पर आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, गीजर की क्या उपयोगिता है? गीजर किस लिए उपयोगी होता है? पहला विकल्प है केक बनाने के लिए, दूसरा विकल्प है पानी गर्म करने के लिए, तीसरा विकल्प है ब्रेड बनाने के लिए और चौथा विकल्प है पानी ठंडा करने के लिए। तो गीजर का प्रयोग किस लिए होता है हमारे घरों में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि गीजर की उपयोगिता पानी को गर्म करने के लिए है। यानी गीजर की क्या उपयोगिता है? पानी गर्म करने के लिए हम गीजर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है यहाँ पर बर्तन की सफाई के लिए, दूसरा विकल्प है फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, तीसरा विकल्प है धातुओं को चमकाने के लिए, चौथा विकल्प है घर की सफाई करने के लिए या सफाई के लिए। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा घर की सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ईंट का, बालू का, सीमेंट का या फूलदान का? घर की सजावट के लिए दिए गए विकल्पों में से किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? घर की सजावट के लिए फूलदान का प्रयोग किया जाता है। किसका? फूलदान का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, लोहे के बर्तनों को किस पदार्थ से साफ करना चाहिए? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विम, दूसरा है सोडा, तीसरा है साबुन और चौथा है राख। तो लोहे के जो बर्तन होते हैं उन्हें किस पदार्थ से साफ किया जाता है या करना चाहिए? राख से करना चाहिए। तो मैंने इस पाठ के सभी, यानी आपका पाठ क्या था, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पाठ का नाम क्या था? घर की सफाई और सजावट। इस चैप्टर के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, जो बहुविकल्पी अर्थात MCQ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोग नोट कर लेना इन सभी प्रश्नों को और आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको अगले चैप्टर, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला चैप्टर किस नाम से है मेरे प्यारे बच्चों? चैप्टर अगला है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत जल के स्रोत उपयोग तथा घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना। इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों को अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।